गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5। आज हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे और जिसमें चैप्टर टू का अध्ययन करेंगे। चैप्टर टू आपका है संस्कृत वर्णमाला। चैप्टर टू का पार्ट वन, आज हम पार्ट वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। भाषा की वह ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सके वर्ण कहलाती है, जैसे छोटा, बड़ा, का, च, ट, त आदि। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला ये भी आप पहले भी पढ़ चुके हैं लैंग्वेज में, कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हमारा है वर्णों के भेद। आप लोगों को पता होगा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। सबसे पहले हम लोग स्वर पढ़ेंगे, यानी जिसको इंग्लिश में वॉवल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, री, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं 13। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, लेकिन संस्कृत में जो होते हैं वो 13 स्वर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, 5 वर्ग यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं। पहले हम 5 वर्ग पढ़ते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब का वर्ग में देखिए का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, जा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। इसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन, यानी कि 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, और उष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं, शा, शा, सा, हा। ठीक है, ये 4 होते हैं दोनों। इसके बाद देखिए उपरोक्त वर्णों के अतिरिक्त 2 वर्ण और भी हैं, जैसे देखिए अंगा यानी अनुस्वार, आ यानी विसर्ग। ये वर्ण ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, लेकिन ये स्वर तथा व्यंजन दोनों के साथ मिलकर चलते हैं, अतः इन्हें अयोगवा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चित्रों के माध्यम से हम इन वर्णों को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, छोटा आ, छोटा आ से क्या होता है यहाँ पे संस्कृत में, अश्वा, है ना, अश्वा यानी घोड़ा। बड़ा से आम्रम यानी आम। छोटी ई से इष्टिका यानी ईट। फिर देखिए बड़ी ई से ईश भगवान। छोटा ऊ से उल्का उल्लू। ऊ से उर्मिका अंगूठी। ठीक है, फिर देखिए री से ऋषभ ऋषभा यानी बैल। इसको हिंदी में बैल बोलते हैं ऋषभा को। री से कुछ नहीं, ली से कुछ नहीं। फिर देखिए ए से एकाक्षा यानी कौवा। ऐंद्रजालिका यानी जादूगर। ओका यानी घर। तो ये सारे जो आपके संस्कृत के जो हिंदी में अनुवाद दिए हुए हैं, जिसे बताया गया कि ओका को क्या कहते हैं, घर को संस्कृत में ओका बोलते हैं और हिंदी में घर बोलते हैं। जादूगर को संस्कृत में ऐंद्रजालिका बोलते हैं और हिंदी में जादूगर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। फिर देखिए औ, अब औ देखिए औषधम यानी दवाई। अंगा माने अंबुजम यानी कमल। आ माने कुछ नहीं। अब इसके बाद देखिए व्यंजन, व्यंजन में देखिए का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आ रहे हैं, अब हम ये देखेंगे। क, ख, ग, घ और इसके बाद है
अंगा, ठीक है। अब देखिए का से क्या होता है, कपोता यानी कबूतर, खा से खगा यानी पक्षी, फिर देखिए गा से गजा यानी हाथी, घा से घटा यानी घड़ा, अंगा से कुछ नहीं। अब इसके बाद देखिए अब कौन सा वर्ग आता है, चा वर्ग। अब चा वर्ग में देखते हैं क्या होता है, चा से चक्षु यानी आँख, छा से छत्रम यानी छाता, फिर देखिए जा से जम्बूफलम यानी जामुन, जहाँ से देखिए झसा यानी मछली, ठीक है, और यहाँ से कुछ नहीं। अब देखिए अब कौन सा वर्ग आ गया, टा वर्ग। और टा से क्या होता है, टटनी यानी छिपकली, ठा से ठकुरा यानी देवता या स्वामी, फिर देखिए डा से क्या होता है, डमरू, डा से डमरू होता है यानी डमरू, ढा से ढोकनम यानी उपहार, और अणा से कुछ नहीं, ठीक है। ये मेरे हो गए थे टा वर्ग के। अब हम लोग आगे देखेंगे ता वर्ग में, देखिए ता वर्ग में कौन कौन से आ रहे हैं, ता से तरु यानी पेड़, है ना, तरु को हिंदी में पेड़ बोलते हैं, और था से पर्वत, ठीक है। फिर देखिए दा से दर्दुरा यानी मेढक, धा से धनु यानी हिंदी में इसको बोलेंगे धनुष, फिर देखिए ना से नकुला यानी नेवला, इसको संस्कृत में हम नकुला बोलते हैं और हिंदी में हम क्या बोलते हैं, नेवला बोलते हैं। अब आगे देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे पा वर्ग। पा वर्ग में देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, पा से पर्णम यानी पत्ता, फा से फलम यानी फल, बा से देखिए बच्चों बा से बका यानी बकुला, फिर देखिए भल्लुका यानी भालू को संस्कृत में क्या बोलते हैं, भल्लुका बोलते हैं, फिर देखिए माँ से मकरा यानी कि मगरमच्छ, ठीक है। ये हमारा हो गया पा वर्ग। अब इसके बाद आ गया आपका अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो आज पार्ट वन में हमने सारे वर्गों के बारे में पढ़ा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, सारे वर्गों के बारे में पढ़ा, और सबका संस्कृत में लिखा, जैसे नकुला को क्या बोलते हैं, नेवला बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से सारे जितने भी जो संस्कृत के वर्ण हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, और फिर हिंदी का एक तरफ आप संस्कृत लिख लीजिएगा और एक तरफ आप हिंदी लिख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा कि इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे जम्बू फलम था, तो जम्बू फलम को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, जामुन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आज की पार्ट वन के लिए मेरा इतना था, ठीक है। अब हम लोग कल पार्ट टू पढ़ेंगे, कल हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे। आज आपका होमवर्क है बच्चों, आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए, आपका होमवर्क है रीड चैप्टर टू। आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। कल मैं सबसे पहले चैप्टर को रिवाइज करूंगी, आप लोग से पूछूंगी, एक एक वर्ड्स पूछूंगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, मैं उष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन को आगे कंटिन्यू करूंगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।